Hey guys, welcome to Pharma Geek. In this channel, I will describe everything about pharmacy and stuff related to it. आज हम जानेंगे बेसिक नोमेनक्लेचर और मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स करते कैसे हैं। तो पहला रूल है, हमें स्ट्रक्चर में रहे हेटेरो एटम्स को पहले लोकेट करना है और उसके हिसाब से वी नीड टू ऐड द करेस्पोंडिंग प्रीफिक्स। नाउ वी नीड टू काउंट द रिंग साइज और इन अदर वर्ड्स द एटम्स प्रेजेंट इन द रिंग एंड वी नीड टू ऐड द सफिक्स करेस्पोंडिंग टू द रिंग साइज। इसके बाद इस सफिक्स और प्रीफिक्स को हमें जस्ट ऐड करना है। लेट्स सी एन एग्जांपल। स्क्रीन पे एक मोनोसाइक्लिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो अब हम ढूंढेंगे उसके हेटेरो एटम को जो कि है नाइट्रोजन एंड द प्रीफिक्स ऑफ नाइट्रोजन इज एज़ा। Now we will count the ring size जो कि है 3 and the suffix of 3 is iridine as you all know। अब हम इस एज़ा और iridine को add कर देंगे जिससे कि structure का नाम बनेगा aziridine। ऐसे ही बहुत सारे structures बनते हैं जैसे कि oxa plus etan oxetan, aza plus ine azine और aza plus epine azepine। आप और भी examples देख सकते हैं जैसे कि azolidine, 1,3 thiazole, 1,2 diazole, 1,2 oxazole and azocyne। अब हम देखेंगे कुछ compounds के common names जो कि हमें बाद में जरूरत पड़ सकता है। Number 1, perhydroazine, जिसका common name है piperidine। Number 2, 1,2 diazole, pyrazole। फिर है 1,3 diazole, imidazole, next azine, pyridine and the last one, thiol, thiophene। So that's it for today guys, thanks for watching, please like कीजिए, share कीजिए, subscribe कीजिए और comment करके बताइए कि आपको ये कैसा लगा। Bye bye।